तो हमको ये सर्कल से जो ग्रीन शेडेड एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सेक्टर बन रहा है, जो वृत्त का वृत्तखंड बन रहा है, उसमें से ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा वो माइनस कर देंगे तो ग्रीन शेडेड एरिया निकल जाएगा। तो हमको दो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एक तो इस वृत्तखंड का जो पूरा सर्कल का जो सेक्टर बन रहा है उसका, और जो ट्रायंगल बना रहा है उसका। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला जो क्षेत्रफल रहेगा वृत्तखंड का वो निकालते हैं। तो उसका जो फार्मूला है डिग्री बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, जो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है वही है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब, पाई का मतलब 22/7 हो गया, और आर जो दिया है वो 21 दिया है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो एरिया होगा वो आपका आ जाएगा 462। तो ये है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। अब दूसरा जो है हमको निकालना है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको निकालने के लिए इसका फार्मूला है 1/2 की जगह पर हम 0.1/2 ही रखते हैं, 0.5 भी रख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 21 उसके बाद जो है साइन डिग्री, साइन 120। तो ये हो जाएगा 190 तो एरिया ऑफ ग्रीन शेडेड कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे 462 में से, वन नाइन्टी पॉइंट नाइन फाइव माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 271। ये आपका आंसर हो गया।